रायबरेली के भदोघर थाना क्षेत्र के दरियापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक किनारे पीडब्ल्यूडी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंगरे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही सूचना मृतक के परिजनों को मिली, कोहराम मच गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक तरफ कुछ लोग घटना को हादसा बता रहे हैं, तो वहीं परिजन मामले को संदिग्ध मान रहे हैं। जीआरपी के दरोगा के मुताबिक उन्हें हादसे की सूचना मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली इलाके में आज एक अज्ञात महिला का शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ बलात्कार करके जुर्म छिपाने के इरादे से उसकी हत्या कर शव फेंका गया। मामले की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश जारी है। बिहार के हाजीपुर में पूजा मंदिर में पूजा के दौरान एक मनचले ने आठवीं की एक छात्रा की मांग में जबरन सिंदूर डाल दिया। लड़की और उसके भाई ने समाज में हुई बदनामी के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी की, जिसमें बहन को तो घर वालों ने बचा लिया पर उसके भाई की मौत हो गई। घटना सदर क्षेत्र के पानापुर लंगा की है। गाजियाबाद के एप्स इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। हर्षित श्रीवास्तव इलाहाबाद का रहने वाला था और कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। बताया जा रहा है कि हर्षित कॉलेज में एक लाइट के पोल के सहारा लेकर खड़ा था, अचानक उसमें करंट आ गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद छात्रों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाकर जाम खुला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस घटना में FIR दर्ज की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। मऊ में बैंक से रुपए निकालकर लौट रहे युवक को कुछ बदमाशों ने लूट का शिकार बनाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इस मामले में COCT पंकज कुमार सिंह से मीडिया ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि क्या मैं ऐसी छोटी मोटी घटना पर बयान दूंगा। उनके इस बयान से साफ है कि पुलिस आपराधिक वारदातों को कितनी गंभीरता से लेती है। वहीं लूट का शिकार बने युवक के पास से तीन बदमाशों ने 20,000 रुपये, उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड और बैंक के जरूरी कागजात लूट लिए। कुशीनगर पुलिस ने एक बार फिर तस्कर की गिरफ्तारी के साथ शराब की तस्करी का खुलासा किया है। NH-28 पर वाहन चेकिंग के दौरान तरिया सुजान थाने की पुलिस ने पिकअप पर लदा 130 पेटी शराब, 50 लीटर स्प्रिट और शराब को तेज करने के लिए रखा गया यूरिया भी बरामद किया। एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। हालांकि तीन में से दो तस्कर फरार हो गए। दरअसल बिहार में हुई शराबबंदी के बाद यूपी से बिहार में शराब की तस्करी बढ़ गई है। शराब तस्कर बिहार में शराब ले जाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखें राउंड द वर्ल्ड।